गुड इवनिंग दोस्तों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण गणित के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, और इसका माध्यम जो है हम बेस नहीं लेंगे, हम इसको ट्रिक से बताएंगे। और ट्रिक आप लोग खूब जानते हैं कि ट्रिक परीक्षा में कितना काम आता है, और अगर हम क्वेश्चन को ट्रिक से हल करें तो कितना लाभकारी हमारे लिए होता है, इसकी बेहद ज़रूरत होती है। तो इन प्रश्नों को आज हम आप लोगों को, इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को, प्रश्नों को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा चैनल आप लोगों के लिए ही है, और इसको जितना ही आप प्रसार प्रचार करेंगे उतना ही हमारा प्रोत्साहन होगा, और उतने ही बढ़िया ढंग से हम आप लोगों के लिए सलूशन या आप लोगों की सफलता के लिए कार्य करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रवि किसी काम को 20 दिन में करता है तथा विनय उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों ने 8 दिन तक काम किया, फिर रवि काम छोड़कर चला गया, शेष काम विनय कितने दिन में करेगा। तो रवि, हम लिख लेते हैं रवि जो है वो कितने दिन में करता है। रवि काम करता है 20 दिन में, विनय काम करता है 30 दिन में, विनय 30 दिन में करता है और रवि 20 दिन में। इन दोनों का हम लासा निकाल लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 20 और 30 का एलसीएम आएगा कितना, 60। ये हमारा 60 जो है ये एलसीएम हो गया दोनों का। अब 20 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, 3 बार 20 का पहाड़ आ जाएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 को दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बचा बराबर कितना हो गया, ये 40। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 40 दिन का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा शेष काम कितने दिन का बचा, शेष जो है 60 में से 40 को माइनस कर लेंगे, 60 मीन्स ये जो एलसीएम आया था, बचा कितना, 20। 20 दिन का काम अब करना किसको है, यानी विनय कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब ये है कि रवि तो काम छोड़ के चला गया, अब बचा है विनय, यानी विनय को काम पूरा करना और 20 दिन का काम है। तो 20 विनय का जो हमने एलसीएम में विनय के दिन वाले से भाग दिया था उसमें आया था 2, यानी इसका 2 मान आया था, विनय का मान कितना आया था, 2। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड किए तो बचा कितना, 10। 2 × 20 मतलब 10 दिन, यानी विनय जो है कितने दिन में काम पूरा करेगा, 10 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम इसी सवाल को बेस पर लगाते तो सवाल आता तो है ही, पर हमको कम से कम यहां तक पूरा लिखने के लिए चाहिए था, जगह चाहिए थी, उसके बाद दिमाग अलग से लगाना, टाइम अलग से लगाना, मतलब इसके लिए काफ़ी हमको काफ़ी कुछ बे करना पड़ता। पर शॉर्ट ट्रिक से हम यहाँ तक, सवाल तक या आंसर तक तुरंत पहुँच सकते हैं, इतना ही काम है। ये तो हम आप लोगों को समझाते हुए चल रहे हैं, अगर अपने मन से अगर कोई सवाल समझ करके लगाया जाए तो इतना लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, 30 सेकेंड का काम है ये। तो इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को 16 दिन में तथा बी उसी काम को 48 दिन में करता है। दोनों ने 9 दिन तक काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। सेम वही प्रक्रिया हमको करना है, ए करता है 16 दिन में, बी करता है 48 दिन में, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 48 आएगा, 48 यानी 48 जो है
इसका एलसीएम आएगा। 16 से भाग देंगे 48 में तो 3 आएगा, और 48 में 48 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को हमने जोड़ लिया, कितना हो गया 4। 4 से गुणा कर लेते हैं, किस में गुणा करेंगे, कितने दिनों तक उन लोगों ने, दोनों ने 9 दिन तक मिलकर काम किया था, जितने दिनों तक मिलकर काम करेंगे उतने से गुणा कर लेंगे, यानी 9 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 36, यानी 36 हो गया। अब बचा दिन, यानी बचा कितना है, बचा मीन्स शेष, ये आपका बचा है 48 में से हम निकाल देंगे कितना 36, 36 निकाल दिए तो 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी 12 दिन जो है 12 दिन का काम बचा है। और करना अब इसको किसे है, बी काम छोड़कर तो चला गया है, ए को करना है। ए का पार्ट कितना है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी ए को ए वाले दिन से हम जब भाग दिए थे उसके एलसीएम में तो 3 आया था, 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको तो बराबर हो गया ये 4, यानी 4 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा ए बी सी किसी काम को 10 दिनों में, 15 दिनों में तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन एक दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं, यानी जो लास्ट तक काम कर रहे हैं, उनका ऊपर गुणा करेंगे और नीचे प्लस करेंगे, यानी कौन काम छोड़ करके जा रहा है। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, एक दिन बाद ए तो चला गया, ए का पार्ट हम छोड़ देते हैं, ए मीन्स है 10, तो 10 को हम छोड़ देते हैं, बचा हमारे पास 15 और 12, तो 15 और 12 का गुणा करते हैं और बटा यही कर लेते हैं पुनः 15 प्लस 12, ऊपर गुणा करेंगे और नीचे जो है प्लस करेंगे। फिर देखिए क्या करना है, एक में से जितने दिन बाद काम छोड़ करके गया है ए, एक कई दिन के बाद काम छोड़ करके गया है, एक दिन बाद, तो एक बटा और जितना वो एक दिन में काम करता है, यानी ए जो है 10 दिन में काम करता है तो 10 लिख देंगे यहाँ पे हम, यानी अब यही हमारा सोल्यूशन हो गया इसका। ध्यान से इसको देखिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जो जो लोग पूरे पूरे काम कर रहे हैं उनका, नीचे प्लस कर देंगे वही चीज दोनों को, फिर ब्रैकेट में एक में से हम जितने दिन बाद गया होगा, जैसे एक दिन बाद गया है तो एक लिखेंगे, दो दिन बाद गया है दो लिखेंगे, तीन दिन बाद गया है तीन लिखेंगे, मतलब जितने दिन बाद गया है काम छोड़ करके जो आदमी, उसको उसका बटा और उसके दिनों की संख्या, यानी काम समाप्त करने के दिनों की संख्या। अब इसी को हम सरल कर लेंगे, देखो 15 हो गया गुणे 12 बटा, इसको जोड़ेंगे 27 मीन 27, गुणे का निशान लगाएंगे यहाँ पे, हर बराबर करेंगे, हर बराबर करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से एक निकल गया 9 बटा 10 ये आया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 3 27 हो गया, 3 से काटेंगे 12 को 4 आएगा, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 होगा, और 60 को 10 से जब भाग दे देंगे तो हमारा आएगा कितना 6 दिन, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, कुछ करना नहीं है, ध्यान में थोड़ा सा याद करना है, इतने बड़े सवाल का हल छोटा सा है, आधे मिनट का काम है बस, 15 से 20 मिनट 20 सेकंड, या ये मान लीजिए 30 सेकंड, 30 सेकंड में आपका ये सवाल लग जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा हटके है, कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में, 15 दिनों में, ए किसी नहीं बल्कि ये है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी किसी काम को 10 दिनों 15 दिनों तथा 12 दिनों में करते हैं। तीनों ने काम आरंभ किया, परंतु एक काम शुरू होने के एक दिन बाद तथा बी दो दिन बाद चला गया, तब शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, मतलब
यहाँ पे देख रहे हैं हम ए और बी दोनों चले जा रहे हैं, वहां तो ए केवल जा रहा था पहले सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग चले जा रहे हैं, तो ए भी उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा उससे हटके है। अब इसमें क्या करना है, दोनों लोग चले गए, बचा हमारे पास कौन, यानी ए और बी तो चले गए, बचा हमारे पास सी, सी बचा है यही, यानी सी जो है करता है कितने दिन में, 12 दिन में, तो हम 12 लिख लेंगे पहले। इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे एक माइनस, ए कितने बाद, ए जो है एक दिन बाद गया है, तो एक बटा एक कितने दिन में पूरा करता है पूरा काम, 10, तो 10 लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे 15, बी जो है 15 दिन में समाप्त करता है, तो माइनस इसको भी 1/15, यही हो गया हमारा समय। अब इसमें देख लीजिए कुछ भी नहीं करना है, ये एकदम छोटा सा सवाल है और सरल केवल कर देना है, दिमाग में रख करके बात क्या हमको कैसे कैसे करना है, बस सवाल का आंसर आ गया। तो 12 लिखते हैं, 12 को फिर देख लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे जब हम, 10 और 15 का एलसीएम जब लेंगे तो 30 होगा, ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 3 माइनस 2 और पूरे का बटा ये हमारा हो जाएगा 30 जो एलसीएम हमारा आया है। अब हम माइनस कर लेते हैं, 12 गुणे 30 में से 3 2 5 घटा दिए, 25 आ गया बटा 30, 6 से काट देते हैं, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, ये हो गया। अब हमारा बचा 25 गुणे 2/5, 5 से भाग दे देंगे, 5 पचे 25, फिर आया कितना, गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10, यानी 10 दिन। ये प्रक्रिया हम आप लोगों को समझाते हुए चल रहे हैं तब इतना लंबा कुछ जा रहा है, अन्यथा इसको लगाने में, इतना बड़ा सवाल लगाने में आप लोगों को 1 मिनट से कम ही समय लगेगा। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिकी सवाल आप लोगों को रोजाना लगभग मिलते रहेंगे, आप लोग YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम आप लोगों की सफलता के लिए कटिबद्ध हैं और आशा करते हैं आप लोग जो है जो हम कह रहे हैं उसका पालन भी करेंगे, क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेहद हितकर है, बेहद उपयोगी है। तो इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हैं।